हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ लो बन हेयर स्टाइल। कितने हेयर स्टाइल हैं वो आप वीडियो बनाते जाऊँगी तो पता चलेगा कि कितने हैं एंड तक। तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की डिफरेंट टाइप्स की वीडियोज़ और ईजी वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइक अभी से कर दीजिएगा। मेरा एक और चैनल है सिलाई कोर्स प्रीत तिवारी, जिसमें मैं सिलाई से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आपको सिलाई का काम सीखना हो और डिज़ाइनर ड्रेसेज देखनी हो तो उस चैनल पर जरूर जाएगा। इंस्टा आई डी प्रीतवाई24 है। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। तो पहले हेयर स्टाइल के लिए हम अच्छे से कॉम करेंगे बालों को। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से आप बना लोगे। ओके, आपको मांग निकालनी है तो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज़ आप ऐसे भी बना सकते हो हेयर स्टाइल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरीके से बालों को मैंने लिया है और देन ऊपर से इतने हेयर छोड़ देने हैं। ओके, नीचे के हेयर्स को लेना है दोनों साइड से। यहाँ पे एक रबड़ बैंड लगाना है आपको। आप रबड़ बैंड कोई सा भी लगा सकते हो, पतला मोटा आपकी चॉइस है। रबड़ बैंड को टाइटली लगाइएगा बस, ताकि ये लूज ना पड़ जाए। जितनी बार में आपका टाइट होता हो उतनी बार आप इस तरीके से खींच लीजिएगा। उसके बाद से आपको सिंपली ये जो रबड़ बैंड है इसको हल्का सा लूज करना है और फिंगर इंसर्ट करके और इसको इस तरीके से घुमा ऊपर से नीचे की तरफ निकाल लेना है और ये इस तरीके से ट्विस्ट हो जाएगा। ओके, ट्विस्ट होने के बाद से हल्का हल्का इसको खींच लेंगे ताकि लुक अच्छा आए। बाकी बचे बालों को सिंपली एक छोटा सा रबड़ बैंड लगाएंगे, थोड़ा सा हेयर छोड़ते हुए। और सारे बालों को इसके अंदर इन करते हुए इस तरीके से इन करना है ताकि आपका रबड़ ना दिखे और यू पिन से इसको सेट कर देना है। बहुत ही अच्छा दिखता है और स्टाइलिश दिखता है ये वाला बन, और बहुत इजी तरीके से आप बना लोगे। और इसके बाद से आपको आपके पास कोई हेयर का जो सजाने वाला क्लिप आता है जुड़ा पिन यू पिन में, वो आप इस पे ऐड कर सकते हो यहाँ पे, जिससे कि इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। उसके बाद आप फ्रंट का हेयर इस तरीके से कॉम करके एक बॉबी क्लिप से या फिर टिक टेक क्लिप से सेट कर लीजिएगा। सॉरी, मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके की इजी और स्टाइलिश हेयर स्टाइल देखने को मिलेगी। कल भी जो मैंने हेयर स्टाइल अपलोड किया था वो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे सारे हेयर्स को ऐसे ही हेयर स्टाइल की वीडियोस को ऐसे ही प्यार दोगे और मैं और भी अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल्स की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँगी। और फ्रंट से कुछ इस तरीके से खींच लेना है और ये बैक का लुक है। और फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आएगा, तो है ना, सिंपल इजी और बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल। चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो सेकंड मैं आज सिर्फ लो पन हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। आप देखिए मिरर में भी दिख रहा है, काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी आप बताना। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको बालों की इस तरीके से पार्टिंग करनी है। पहले क्राउन एरिया के हेयर को ले लेना है, अच्छे से कॉम करना है। कॉम करने के बाद से यहाँ पे आपको एक रबड़ बैंड लगाना है। ओके, अगेन रबड़ बैंड को टाइट लगाइएगा, लूज नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे रबड़ बैंड लगा दिया, थोड़ा सा हेयर को खींचेंगे और इसमें से इस तरीके से फिंगर इंसर्ट करके हेयर को निकाल लेंगे नीचे की तरफ से। ओके, और इसको थोड़ा टाइट कर देंगे और फ्रंट से आप अपना लुक देख लीजिएगा, अच्छे से आना चाहिए। तो
तो इसको ऐसे करने के बाद से सेकेंड बार फिर से ये वाला हेयर आप ऊपर की तरफ ला के इसको सिक्योर कर लो, ताकि ये बैक का पोनी बनाने में आपको डिस्टर्ब ना करें। ओके, फिर यहाँ पे इस तरीके से कॉम करेंगे थोड़ा सा ऊपर हल्का सा, और यहाँ पे एक रबड़ बैंड और लगाएंगे। और इसको भी थोड़ा सा लूज करेंगे, फिंगर इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से नीचे की तरफ से हेयर को खींच लेंगे और फिर से टाइट कर देंगे। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको सिंपली इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है और आपस में ट्विस्ट कर देना है इनको। ओके, ट्विस्ट करने के बाद से ये वाला हेयर ओपन करेंगे और इस ट्विस्टिंग को इस वाले पोनी के ऊपर से लेके आएंगे और इस तरीके से यहाँ पे आप एक यू पिन लगा दीजिएगा या फिर बॉबी क्लिप, जिससे भी आपको इजी रहे हेयर स्टाइल को रखने में। और यहाँ पे ले जाके एक बॉबी क्लिप से इसको सेट कर दीजिएगा या फिर यू पिन से, जैसे भी आपको इजी हो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद से फिर से जो ऊपर वाली पोनी थी आपकी, उसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ट्विस्ट करेंगे। सॉरी, हेयर छोटे छोटे हैं तो निकल जा रहा है इधर से उधर। उसके बाद से इस वाले लेयर को आपको इस साइड से लेके आना है और पोनी के ऊपर से लेके जाना है और यहाँ पे इस तरीके से एंड पार्ट छिपाते हुए यू पिन से इसको सेट करेंगे। और आपको देख लीजिएगा कहीं से आपका रबड़ बैंड दिख रहा हो तो उसको अच्छे से हाइड कर दीजिएगा यू पिन की मदद से। हेयर को उसके ऊपर से लगाते हुए अच्छे से हाइड कर देंगे। तो हमारा रबड़ बैंड अच्छे से हाइड हो चुका है और ये हमारे बन का फाइनल लुक है। इस साइड से अगर आपको ये आपका हेयर जैसे मेरे छोटे छोटे हैं आपका भी निकल रहा हो, तो आप इस तरीके से जो आपने हेयर स्टाइल बनाया है उसके अंदर इसको इन करके और यू पिन से सेट कर दीजिएगा, तो इधर का भी हेयर आपका सिक्योर हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। आप यहाँ से हेयर को खींच सकते हो अगर आपका फ्रंट का लुक अच्छा नहीं दिख रहा है तो है ना, ये भी स्टाइलिश सा एंड ईजी सा हेयर स्टाइल। इसके बाद आप गजला या फिर जो भी हेयर स्टाइल के आप पिन होंगे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया, ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है, स्टाइलिश दिखता है। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। वैसे इसका फाइनल लुक देख लो, चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल के लिए सिंपली आपको यहाँ से थोड़े से हेयर निकाल लेने हैं और इसको छोड़ देना है ऐसे ही। ओके, इस तरीके से, और बाकी सारे हेयर्स को अच्छे से कॉम करके और एक पोनी बना लेनी है। और इसको रबड़ बैंड लगा देना है। ओके, ये वाला हेयर ऐसे ही छोड़ देना है। ओके, और ये जो आपने पोनी बनाई है इन हेयर्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपल चोटी बना लेंगे। सिंपल चोटी बनाने के बाद से ब्राइड के एंड में एक
पतला वाला रबड़ बैंड ऐड कर देंगे और सिंपली इसको बन के चारों तरफ लपेटेंगे और यू पिन से सेट कर देंगे। अभी आपको क्या करना है, जो आपका इस साइड का हेयर था इसको अच्छे से कॉम करना है, बन के ऊपर से लेके आना है इस तरीके से और इसको लपेटते हुए नीचे की तरफ से लेके जाएंगे। सॉरी, बन के ऊपर से लेके आएंगे, नीचे की तरफ से लेके जाएंगे और यू पिन से यहाँ पे सेट कर देंगे। और यहाँ का हेयर अगर उठा उठा सा फील हो रहा है तो आप इसको यू पिन से सेट कर दो। ओके, तो ये हमारा, और जहाँ पे आपको लगे कि रबड़ बैंड दिख रहा है उसको अच्छे से हाइड कर लो। यू पिन भी लगा सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये भी काफ़ी स्टाइलिश सा लगता है और सिंपल भी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आपका हेयर भी, मैंने हेयर वॉश नहीं किए हैं 2-4 दिन से इसलिए ऑयली ऑयली सा दिख रहा है, आप वॉश करके बनाओगे तो और भी प्यारे दिखेंगे सारे हेयर स्टाइल। और फ्रेंड से आपका फ्लिक्स वगैरह होगा तो और ज़्यादा प्यारा दिखेगा। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये वहाँ पे मिरर में भी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।